नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो यूपी में कुल 17 नगर निगम की सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी इस बार यूपी में 17 मेयर चुने जाएंगे। उन्हीं में से एक सीट है वाराणसी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां पार्षद की सीटों के लिए गोलियां तक चली हैं, खूनी खेल तक हुआ है, चुनावी वर्चस्व को लेकर हत्याएं तक हुई है। उसी वाराणसी में आगामी 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं। वाराणसी में वर्तमान में मृदुला जायसवाल मेयर पद पर है, लेकिन अब ये सीट सामान्य कर दी गई है। तो देखते हैं कैसा रहा वाराणसी का नगर निगम का इतिहास हमारी इस रिपोर्ट में। काशी का चुनावी माहौल क्या है, कौन जमाएगा चुनाव में धार, किसको मेयर के रूप में देखते हैं काशी के लोग, काशी में चलेगी पुरानी हवा या फिर उगेगा नए बदलाव का सूरज। यूपी निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों को आगे करते हुए जंग में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है। बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस लिहाज से निकाय चुनाव की चुनावी बयार वाराणसी में कुछ अलग ही तरीके से चल रही है। वाराणसी भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ बीजेपी का तिलिस्म काफी समय से चल रहा है। लखनऊ और गोरखपुर की ही तरह पिछले 28 साल से बीजेपी की साख यहां पर बनी हुई है। मेयर की सीट पर बीजेपी का ही दबदबा है। मेयर सीट पर बीजेपी का दबदबा। सरोज सिंह 1995 से 2000 तक, अमरनाथ यादव 2000 से 2005 तक, कौशलेंद्र सिंह 2006 से 2012 तक, राम गोपाल मोहले 2012 से 2017 तक। नगर निकाय चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो नगर महापालिका गठन के बाद वाराणसी में पहली बार 1960 में नगर प्रमुख का चुनाव हुआ। 1 फरवरी 1966 से 4 जुलाई 1970 और 1 जुलाई 1973 से 11 फरवरी 1989 तक महापालिका प्रशासकीय नियंत्रण में रही। नगर महापालिका के अस्तित्व में रहने के दौरान नगर प्रमुख का चुनाव सभासद करते थे। यही नहीं, नगर प्रमुख पद के प्रत्याशी को सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं था। यही वजह रही कि समाज के विभिन्न वर्गों के प्रसिद्ध व्यक्ति इस पद के लिए चुनाव में भाग्य आजमाने में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार वाराणसी में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तीनों प्रमुख दलों ने इस बार सवर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ओपी सिंह और कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को प्रत्याशी घोषित किया है। वाराणसी में पहले चरण में 4 मई को चुनाव है। नगर निगम के सियासी चक्रव्यूह को भेदने के लिए भाजपा ने मेयर पद पर ब्राह्मण प्रत्याशी का दांव चला है। वाराणसी में किन किन चेहरों पर लगा दांव। अशोक तिवारी बीजेपी मेयर प्रत्याशी, ओपी सिंह एसपी मेयर प्रत्याशी, अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस मेयर प्रत्याशी, सुभाष चंद्र मांझी बीएसपी मेयर प्रत्याशी। वाराणसी में पहले चरण में 4 मई को मतदान। वाराणसी नगर निगम को 7 जोन में बांटा। वाराणसी नगर निगम में 100 वार्ड। सबसे बड़ा जोन वरुणापा। 368 मतदान केंद्र, 1325 मतदान स्थल में होगा मतदान। 100 वार्डों पर 16.11 लाख मतदाता करेंगे वोट। वहीं दूसरी तरफ इस जिले में जातीय समीकरण साधने की भी प्लानिंग चल रही है। 2017 की बात करें तो भाजपा की मृदुला जायसवाल को 42.63% वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रत्याशी शालिनी यादव को 25.08% वोट मिले थे। इसके अलावा 21.97% वोट अन्य उम्मीदवार को हासिल हुए थे। 1.18% नोटा वोट पड़े थे। विजयी पार्टी भाजपा जहां अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में जुटी है, वहीं विपक्षी दल बिखरे वोटों का समेटने में लगे हैं। सभी पार्टियों ने वाराणसी में जीत का डंका बजाने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर कौन सी पार्टी अपना करिश्मा दिखाएगी। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी।
लखनऊ और गोरखपुर की जगह वाराणसी पर भी कई सालों से मेयर की सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, तो वहीं इस बार का निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड का असर कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने जो सियासी समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। अब 13 मई को इसका रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर जनता की पसंद कौन बना है और आखिर काशी में जनता का पसंद कौन है, जनता का पसंदीदा प्रत्याशी कौन है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।